हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। द टॉपिक इज़ हाउ टू डिसाइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे कि हम बेंजीन में देखते हैं कि जब बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं तो अगर सिर्फ बेंजीन यहाँ पे प्रेजेंट है और सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, एनी ऑफ द पोजिशन, क्योंकि सारी की सारी पोजिशन इक्विवेलेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट्स को डाउट तब आता है जब बेंजीन के ऊपर कोई और ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेट अस से बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा या Cl होगा या NH3+ होगा, तो हम कैसे देख के बता पाएंगे कि ऐसे केस में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो ही तरह के ग्रुप दुनिया में अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगाया है, इस ग्रुप की सीरीज़ को अपन G1 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पोजीशन पे, यानी ऑर्थो पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो या पैरा पे आके सब्स्टिट्यूट हो। तो ये ई यहाँ आ जाएगा, प्लस ये ई कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, पैरा पे हो जाएगा, ठीक है। मैटा जो पोजीशन होती है इस पोजीशन पे भी आएगा, पर वो प्रोडक्ट माइनर बनेगा तो ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। इस तरह के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होने के लिए, उन ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जुड़ा हुआ है, दैट इज़ G2 ग्रुप। अब इस G2 ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल डाला, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पैरा पे ना जाके मेटा पे जाके सब्स्टिट्यूट होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव नेचर ऑफ द ग्रुप अटैच्ड, आइए इस बात को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ यू एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कई सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, इन द सेंस एक केस में यहाँ OH लगा होगा, अगले केस में यहाँ पे OCH3 लगा होगा, नेक्स्ट केस में यहाँ O- होगा। तो अब वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। ओके, सो आई होप आपने इसको चेक ज़रूर किया होगा। अगर आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो ये सारे के सारे ग्रुप जो होते हैं ओवरऑल दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, देर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब इसमें ट्रिक कुछ ऐसा है कि जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी इसमें से कोई भी ग्रुप हम लगा दें तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऑर्थो और पैरा में पे पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट होना चाहेगा। कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है सर ऑर्थो और पैरा में अगर मेजर बात करनी हो, तो देखिए ऑर्थो और पैरा एक तरह से भाई भाई हैं, इनमें आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, पर अगर कंपटीशन करते हैं तो इन जनरल पैरा जो है वो जीत जाता है और ऑर्थो रिलेटिवली हार जाता है। द रीज़न बींग ऑर्थो पे रिपल्शंस रिलेटिवली ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी रेयर केस होता है जिसमें ऑर्थो भी मेजर आ जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर एज बॉन्डिंग, बट अगर ऑर्थो पैरा में कॉम्पिटिशन करेंगे तो आप इन जनरल पैरा ही जीतेगा। तो ट्रिक आपको पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अभी डोनेटिंग है या नहीं है ये समझ में आपको क्लियरली आना चाहिए। जैसे कि बेंजीन पे OH है तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे OH दो इफेक्ट शो करता है, एक तो रेजोनेंस शो करता है लोन पे डोनेट करता है यानी प्लस M शो करता है, और एक सिग्मा बॉन्ड से माइनस I शो करता है। जैसे कि आप जानते हो रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे, इसलिए ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है, ठीक है। दूसरे केस में हम लेते हैं बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कई सारे ग्रुप्स यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, NO2 साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके अलावा COOH, SO3H, COOR, NH3+, NR3+ एंड मच मोर आर देयर। ये सारे के सारे जो होते हैं ऑल ऑफ देम आर मेटा डायरेक्टिंग, मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल आप डालेंगे तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा अगर रिएक्शन हुई तो। कई बार तो क्या होता है रिएक्शन ही नहीं होती, इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, पर अगर रिएक्शन हुई तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट मेटा पोजीशन, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें सभी के सभी जो ये ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो आपने देखा जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो दे आर मेटा डायरेक्टिंग।
अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कई सारे इसके एक्सेप्शन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्सेप्शन होता है हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन्स के केस में ओवरऑल दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिकॉज देयर माइनस आई डोमिनेट्स ओवर देयर प्लस एम। ठीक है, पर स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन जो है अलग से एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक के या हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें आपको ये मिल जाएगा। सो गाइज, ओवरऑल यू हैव लर्न दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग एक्सेप्ट द केस ऑफ हेलोजन्स। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आपके इसी बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइज, आई होप आपको इस बात से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, आप चाहें तो उसको क्लिक करके ओपन करके, उसमें एक डाउट कॉर्नर है, उसको आप साइन अप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और आपस में बहुत सारे ATPN से आप कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे के डाउट्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।